प्रदेश दू सरकार के दू वर्ष पूरा भेल प्राते भेने शनि दिन मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अपन निवास में पत्रकार सबके बजा कर अपन दू वर्षीय कार्यकाल के प्रशंसा कैलक। राजपा के तीनू मंत्री आ समाजवादी के एक मंत्री सहित चार गोट मंत्री सबके अपन दुनू कात राखि कर पत्रकार सम्मेलन केने राउत अपने सबके कारण विभिन्न षड्यंत्र के बावजूद समेत एखन धरि संघीयता बाँचि रहल कहित दू वर्षीय अपन सबके कार्यकाल एकदमे सफल रहल दावी कैलने। जुन किसिमको अधिकार कटौतीका कुरा हुँदैछ, जुन किसिमको संहितालाई कमजोर बनाउने कुरा हुँदैछ, त्यसमा प्रदेश सरकार स्ट्रङली सबैको सर्वसम्मतले हामी चाहिँ अगाडि लागेका छौँ र हामी सबै दुवै कोलिसन सरकारका अभि अहिले जितेन्द्रजी हुन्छ संसदीय दलको नेता र म छु र हाम्रो यसमा प्रतिबद्धता के छ भने संहिता छ भने हामी छौँ। विकास निर्माणका कामहरूमा हामी प्रयास होला, कसैको चाहना हामीले जनअपेक्षा अनुसार केही कमी कमजोरी होला तर संघीयताको मेटरमा हामी फुली डिटरमाइन्ड छौँ। देशके बाँकी अन्य छ प्रदेशमे संघीय सरकारके आशीर्वाद प्राप्त सरकार रहल रहितो, प्रदेश दुमे जनताके म्यान्डेट अनुसारके सरकार रहल बतबैत मुख्यमंत्री राउत दू वर्ष पूरा भेलाके बाद संविधान अनुसार आब अपना विरुद्ध कोनो अविश्वासके प्रस्ताव आउत तो ओकर सामना कर अपना तैयार रहल समेत टिप्पणी कैलनि। दुईटा पार्टीको यो संयुक्त सरकार हो, दुईटै पार्टीको सहमतिले निर्माण भएको सरकार हो र मलाई के लाग्छ भने मैले हाम्रो आत्मीयता हाम्रो काम गर्ने जुन किसिमको अहिले चाहिँ व्यवहार छ मलाई लाग्दैन कि त्यस्ता अब कुनै किसिमको चाहिँ अवस्था छ। यो सरकार पाँच वर्षको लागि हो, पाँच वर्षको लागि अहिले चाहिँ झन्डै आज दुई वर्ष तपाईँको अब भन्न ढाई वर्ष अब चुनाव निर्वाचन गरेर हुन्छ, यो सरकार पाँच वर्षको लागि हो, यो पाँच वर्ष नै चल्छ र यसमा कुनै कसैले शङ्का नगर्दा हुन्छ। ओ जनताके सरकार भेलासँग पाँच वर्ष चलबाकमे निर्धक्क भएको बैस सबके आग्रह कैलने छ। नेपाल सतीसँ सरापल गेल देश रहल बतबैत हो, दू तिहाईके संघीय सरकार छ महिनामे मात्र 12-14% बजेट खर्च कर सकल कहित प्रदेश दूके सरकार आ सभे मंत्रालय संघीय सरकारसँ बेसी खर्च कऽ कऽ आगू रहल मुख्यमंत्री राउतके दावी अछि। यो नेपालको के अरे सतीले सरापेको देश हो कि अस्ति प्रधानमन्त्रीको सामुमा अब तपाईँले भन्नु संघीय सरकारको 5-6% बजेट हुनु पहिलो चार मन्थमा जहाँ 2/3 मेजोरिटीको सरकार छ के भन्ने त्यसलाई अब भन्नु 2/3 मेजोरिटीको सरकारले 5-6% पुर्याउन सकेका छैन र मलाई के लाग्छ भने धेरैजसो मन्त्रालयको तपाईँको त्योभन्दा धेरै बढी छ। तब हामी चाहिँ आकलन आफ्नो चाहिँ गरिरहेका छौँ, अहिले छ महिनाभित्र उहाँहरूको 12-14% बढिरहेको छैन। तपाईँ म चाहिँ त्यो त्यहाँ गएका छु। प्रदेशसभा विसारके मुख्य अवरोधक उपभोक्ता समिति सबके भुक्तानी सन्दर्भमे मुख्यमंत्री राउत जेनून काम कैने उपभोक्ता समिति सबके भुक्तानी देबऽ पड़बाक बतौलनि। यद्यपि आब भुक्तानी केना कैल जाए ताहिके लेल गृह कार्य भऽ रहल हुनक कहब छलनि। दू वर्षक कार्यकालमे एखन धरि कुल 78 बेर मंत्री परिषदके बैसार बैसकऽ मधेश आन्दोलन, आन्दोलनमे शहादत प्राप्त शहीद, विकास, विकासमे सड़क सञ्जाल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, मुख्यमंत्री सरसफाई आयोजना, बेटी शिक्षा बीमा, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोक सेवा आयोग सहितक अनेकन महत्वपूर्ण काम सब अपना सबके ने मुख्यमंत्री के प्रतिवेदन में उल्लेख है। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान संचालन में रहल रहितो प्रदेश दू के राजधानी जनकपुर धाम सफाई होब नहीं सक रहा कहकर पत्रकार सब द्वारा पूछल गेल प्रश्न में मुख्यमंत्री राउत जनकपुर धाम के मुख्यमंत्री मेयर लाल किशोर शाहजी रहल जवाब दिलन। यहाँको मुख्यमन्त्री हाम्रो लालकिशोर शाहजी हुनुहुन्छ। नाम त तपाईँको अब तपाईँ त के अरे राजधानी त झन्डै झन्डै अब त्यो बेला भोटिङमा जान्छ, नाम त मधेश प्रदेशै हुन्छ, मधेश प्रदेशमा एकमत छौँ हामी, मधेश प्रदेश नै बनाउँछौँ। मुख्यमन्त्रीके 26 बुदाक कार्य प्रगति विवरणके 6 बुदामे उल्लेख भेल अनुसार प्रदेश सरकार एखन धरि 23 कानून प्रदेश सभासँ पास कऽ चुकल अछि, 80 कानून तैयारी अवस्थामे रखने अछि आ 22 कानून सब समिति सबमे विचाराधीन अवस्थामे रहल देखाओल गेल अछि। एहिके अलावा बहुतो तारीफ मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अपन प्रदेश सरकारके कयलनि आ पत्रकार सबके बजा कऽ पत्रकार सम्मेलनके वार्षिक उत्सव मनौलनि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरामे संजय शाहके साथमे पूरन शाह जनकपुर धाम।